नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। LNMU पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आसानी से अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करके लाइव दिखाया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अभी अभी न्यू लिंक एक्टिव किया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल पर न्यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। और सब्सक्राइब जैसे करोगे बगल में बेल आइकन की घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा देना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है, लिखना है टारगेट कोर्स। ठीक है, TARGETCOURSE टारगेट कोर्स लिखकर आपको सर्च कर देना है। टारगेट कोर्स लिखकर जैसे आप सर्च करिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। टारगेट कोर्स का फर्स्ट पेज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने नया पेज ओपन हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर इसके नीचे आपको LNMU पार्ट 1 एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम एक अगले पेज पर अगले ऑप्शन पर चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक नया पेज हमारे पास आ चुका है, जो कि हम यहाँ पर पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे इस आर्टिकल को लिख रखा है, मतलब कि आपका एडमिट कार्ड कैसे चेक होगा, एडमिट कार्ड किन छात्रों का जारी होगा, एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको सुधार कैसे किया जाएगा, यहां पर मैंने लिख कर बता रखा है। ठीक है, अब यहां पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहां पर आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से LNMU पार्ट 1 एडमिट कार्ड 2022 कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो डाउनलोड करने की सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपको यहां पर देखिए नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप और नंबर 3 स्टेप, फिर नंबर 4 स्टेप, यानी कि वेबसाइट से लेकर, ठीक है, वेबसाइट से लेकर प्रिंट आउट तक सारी जानकारी लिख कर बताया गया है। उसके बाद यहां पर आपको नीचे लिंक भी दिया गया है। देखिए, आप लोग BA के स्टूडेंट्स हैं तो ऊपर वाले पर BSc के हैं तो बीच वाले पर, और BCOM के हैं तो यहां पर थर्ड वाले पर क्लिक करिएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए आप लोगों का पार्ट 1 का एडमिट कार्ड पूरी तरह से जो है यहां पर कंप्लीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, ठहरिए दोस्तों, आप लोग भागिएगा मत। यहां पर देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स अपना नाम मिलान करिएगा एडमिट कार्ड में, सही है या गलत है। अगर आपका सही है तो ठीक है, फिर फादर्स नेम, कॉलेज नेम, एग्जाम सेंटर नेम ऑफ एंड कोड, रोल नंबर, IDR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट्स फोटो सिग्नेचर, इंस्ट्रक्शन और सब्जेक्ट फॉर एग्जाम, एग्जाम कमेंट्स डेट, ये सब कुछ मिलान कर लीजिएगा कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो नीचे कमेंट करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी दे दी जाएगी कैसे सुधार करना है, और अगर सही है तो जय हिंद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे हमारी इस वेबसाइट पर आप लोग आएंगे तो सबसे पहले अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अलाउ का ऑप्शन देखने को जैसे मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर जो है आप लोगों को इस वेबसाइट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय।